माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जलमार्ग परिवहन यातायात का एक अहम माध्यम बनकर उभरा है, जो रेल एवं सड़क परिवहन की अपेक्षा कम लागत एवं न्यूनतम प्रदूषण वाला माध्यम है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री के कुशल दिशा निर्देश में भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी, साहिबगंज एवं हल्दिया में मल्टी मोडल टर्मिनल बनाए तथा NW1 पर फरक्का में नए लॉक गेट का निर्माण किया। साथ ही पूरे भारत में कई नदियों पर छोटे बड़े इंटरमोडल टर्मिनलों और कम्युनिटी जेटियों का निर्माण किया, ताकि लोगों को न सिर्फ आवाजाही में सुविधा हो बल्कि माल ढुलाई भी निर्बाध रूप से हो सके। राष्ट्रीय जलमार्गों के बढ़ते विकास के फलस्वरूप यात्री परिवहन एवं माल ढुलाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013-14 में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कुल माल ढुलाई 18 मिलियन टन से 600% वृद्धि के साथ 2022-23 में 126 मिलियन टन तक पहुंच गई है। विगत वर्षों में IWAI द्वारा मल्टी मोडल टर्मिनल और इंटर मोडल टर्मिनलों के निर्माण से कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि हुई है। साथियों, पूर्वी भारत का इमोशनल इंटीग्रेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसे ध्यान में रखा जाता बहुत जरूरी है, और इसलिए हमारी सरकार एक्ट ईस्ट एंड एक्ट फास्ट फॉर इंडिया ईस्ट के मंत्र पर चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई और विगत 10 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया। यहां के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी निवेश किया गया, जिससे रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। नेशनल वाटरवेज 1 गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही देश के अंदर कुल मिला के 111 नेशनल वाटरवेज है। इनमें से आज टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का बाद 23 नेशनल वाटरवेज को हम लोगों ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगे हुए हैं। पांडू में स्थित मल्टी मोडल IWT टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जोड़ने के लिए 180 करोड़ रुपए की लागत से डेडिकेटेड एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो मार्च 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। इससे पांडू पोर्ट की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। पांडू में ही 208 करोड़ रुपए की लागत से एक शिप रिपेयरिंग सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है, जो दिसंबर 2024 तक पूर्ण किया जाएगा। इस तरह की सुविधा पूरे नॉर्थ ईस्ट में न होने के कारण जहाजों को मरम्मत के लिए कोलकाता जाना पड़ता था। इसके निर्माण से जहाजों की मरम्मत अब यही होगी तथा ईंधन एवं समय दोनों की बचत होगी। इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। इसके अतिरिक्त गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए मैरिटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी संचालन किया गया। इससे स्थानीय निवासियों को जलमार्ग सेक्टर में रोजगार मिल सकेगा। नदी पर बने विश्व के सबसे बड़े द्वीप माजुली में रो पैक्स सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे माजुली और जोरहाट के बीच की दूरी 12 घंटों से घटकर केवल 1.5 घंटा रह गई है और दोनों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर रह गई है। सुगम एवं हरित नौका परिवहन के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रिक कैटामरान भी गुवाहाटी में चलाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्वी भारत को देश के अन्य भागों से जलमार्गों द्वारा जोड़ने के लिए NW2 के व्यापक इस्तेमाल की परिकल्पना बनाई गई, जिसके अंतर्गत 5 फरवरी 2022 को पटना से 200 टन खाद्यान्न पांडू भेजा गया। ये जहाज NW1 फरक्का, हल्दिया तथा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से होते हुए पांडू मल्टी मोडल टर्मिनल पहुंचा। हाल ही में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा टाटा स्टील के माल की ढुलाई की गई तथा नुमालीगढ़ रिफाइनरी के लिए ओवर डायमेंशन कार्गो और ओवरवेट कार्गो का परिवहन सुचारू रूप से किया गया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। भारत में जल पर्यटन की बढ़ती मांग को देखते हुए एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास की शुरुआत की गई। गंगा विलास भारत में बना पहला क्रूज जहाज है। ये क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम से होते हुए गुजरा।
इससे पर्यटन के क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ। जोगी घोपा में 64 करोड़ रुपए की लागत से एक टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। जोगी घोपा, तेजपुर, विश्वनाथ घाट, निमाती, सदिया और विंधा कोटा में पर्यटकों के लिए 6 क्रूज टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। कार्गो हैंडलिंग के लिए 12 फ्लोटिंग टर्मिनल हथसिंगीमारी, धुबरी, जोगी घोपा, पांडुपोर्ट, तेजपुर, सिलघाट, विश्वनाथ घाट, निमाती, सेंगजन, बोगीबिल, डिब्रूगढ़, ओकलैंड और ओरियम घाट बनाए गए हैं। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी NER के वाटरवेज में ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ड्रेजिंग कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। 47 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बोगीबिल में परमानेंट कार्गो और पैसेंजर टर्मिनल का निर्माण किया गया है, जो डिब्रूगढ़ तथा अरुणाचल प्रदेश को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 तथा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से होते हुए हल्दिया तथा कोलकाता बंदरगाह से जोड़ता है। सोनामुरा में परमानेंट टर्मिनल का निर्माण किया गया है, जो त्रिपुरा को इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट नंबर 9 एवं 10 के माध्यम से बांग्लादेश, कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाहों से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर बसे करीमगंज एवं बदरपुर टर्मिनलों को एक ट्रांस शिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि पूर्वोत्तर राज्य विशेषकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को देश के अन्य भागों से जलमार्ग द्वारा आसानी से जोड़ा जा सके। करीमगंज और बदरपुर टर्मिनल से इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से बराक वैली को बांग्लादेश और देश के अन्य भागों को जोड़ा गया है। भूटान से भारत होकर बांग्लादेश को जाने वाले कार्गो के लिए पांडु एवं जोगी घोपा को एग्जिट टर्मिनल घोषित कराया गया, जिससे तीनों देशों के बीच में व्यापार सुगम हो गया है। क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला क्षेत्रीय जलमार्ग ग्रिड भी बनाया जा रहा है, जो इस पूरे क्षेत्र के व्यापारिक परिदृश्य को बदल देगा। पूर्वोत्तर भारत में IWAI द्वारा जलमार्गों के अभूतपूर्व विकास से क्षेत्र में विकास की एक नई धारा प्रवाहित हुई है। इससे स्थानीय नागरिकों, किसानों, नौजवानों एवं छोटे बड़े व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है एवं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। साथ ही निकटवर्ती देशों के साथ व्यापार के नए रास्ते खुल गए हैं। IWAI इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की निरंतर प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है।